नॉलेज भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस वैकेंसी की, यानी कि पुलिस में जो वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, उसी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुलिस में होंगी 56,880 भर्तियाँ। योगी सरकार ने दिया दशहरे का तोहफा, 1 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, जुलाई तक होगी संपन्न। यानी कि 1 नवंबर से स्टार्टिंग हो रहा है और जुलाई तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आइए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कब क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, योगी सरकार ने दशहरे का तोहफे देते हुए पुलिस के 56,880 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। सिपाही, बंदी, रक्षक, फायरमैन के लिए भर्ती 1 नवंबर से शुरू होगी और अगले वर्ष जुलाई के अंत तक चलेगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि डीजीपी की ओर से यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि 51,216 सिपाहियों के लिए 30 नवंबर तक किया जाएगा आवेदन। इनमें 32,000 नागरिक पुलिस, 19,216 पीएसी के पद, नागरिक पुलिस के 20% पद महिलाओं के लिए यानी 6,400 पद महिलाओं और 25,600 पद पुरुष के लिए होंगे। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा, यानी कि ये अक्टूबर का माह चल रहा है। अगले महीने में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन होगा। 4 व 5 जनवरी को ऑनलाइन परीक्षा होगी। जून के तीसरे सप्ताह में परिणाम आ जाएगा, यानी 4 और 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी नवंबर दिसंबर लगभग 2 माह बचे हुए हैं टोटल। इसके बाद देखते हैं उम्र सीमा को क्या रखा गया है। उम्र सीमा जो 18 से 22 वर्ष तक की आयु वाले फॉर्म भर सकेंगे, तथा योग्यता जो रखी गई है इंटरमीडिएट रखी गई है। एक पद के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि 18 से 22 साल की उम्र के लोग फार्म को भर सकेंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 25 साल, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 27 साल तक के हैं तो फार्म भर सकते हैं। यानी ओबीसी वाले 25, एससी एसटी वाले 27 और जनरल वाले 22 साल तक के फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। अब फायरमैन के 1924 पदों की ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी को, यानी फायरमैन के लिए अलग से लगभग 2000 की से 2000 के लगभग सीटें निकाली जाएंगी, जिसकी ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी को कराई जाएगी। उसके बाद देखते हैं, 300 अंकों की होगी लिखित परीक्षा और माइनस मार्किंग भी, यानी कि 300 अंकों की होने वाली है। मतलब ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन 300 लिया जाएगा और माइनस मार्किंग को भी रखा जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। माइनस मार्किंग होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज का सत्यापन होगा। फिर शारीरिक परीक्षा होगी। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यानी कि जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर के होंगे, तो टोटल 300 नंबर का आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी अब की बार लिया जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी, हिंदी 1/4 मतलब हिंदी, और हिंदी हो गया पहला पोर्शन, उसके बाद मैथ हो गया, मैथ्स के बाद रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद जीके जीएस हो गया। सभी से समान समान क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो होता है दौड़, दौड़ कितना रखा गया है, दौड़ 25 मिनट में, 25 मिनट में पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ को रखा गया है, तथा महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ और को पूरा करना होगा। या रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद की यह प्रक्रिया है। पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। हमारा फॉर्म कब से आ रहा है, फॉर्म जो है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन किया जाएगा। अगर जो लोग आप यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाए हैं, यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, यानी कि यूपी का जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ना करना भूलें, तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।